बाइफिनाइल सिस्टम कंटेन टू फिनाइल रिंग। बाइफिनाइल मतलब क्या बुझ रहे हैं, बाई मतलब टू, फिनाइल मतलब टू फिनाइल रिंग। बाइफिनाइल सिस्टम क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू टू या बे ऐसे बाइफिनाइल रिंग कनेक्ट होके रखा है, ठीक है। ये है तो ये कैसा है, मतलब यहां पे देख के पता चल रहा है, नहीं नहीं सर एक तो प्लेन में है एक परपेंडिकुलर प्लेन में है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए बेटा। बाइफिनाइल कंटेनिंग फोर लार्ज ग्रुप इन ऑर्थो पोजीशन कैन नॉट फ्रीली रोटेट अबाउट सेंट्रल मॉल बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंडर इन सच कंपाउंड द टू रिंग्स आर इन परपेंडिकुलर प्लेन, ठीक है। तो ऑर्थो वो ओल्डर टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स बिकम नॉन प्लानर इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन अमंग सब्स्टिट्यूएंट। इन दिस ओरिएंटेशन फिनाइल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर द फ्री रोटेशन ऑफ सीसी डबल बॉन्ड इज रेस्ट्रिक्टेड मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या सर कुछ समझ में नहीं आया, आपने जल्दी जल्दी बता दिया। मान लो देख बाइफिनाइल्स कंपाउंड है, ठीक है, यहां पर टू फिनाइल रिंग लगा, मैंने क्या बताया उनका ऑर्थो पोजिशन में, देखो ये वाला पोजिशन है इनका ऑर्थो पोजिशन में, अगर लार्ज नंबर ऑफ लार्ज मतलब बल्की ग्रुप, सॉरी लार्ज नंबर हमने लार्ज ग्रुप या बल्की ग्रुप को हम प्रेजेंट कर देंगे, क्या होगा वो, क्या होगा भाई वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ जाएगा, फ्रीली रोटेट नहीं कर पाएंगे ड्यू टू स्टेरिक लॉ, ठीक है। तो ये क्या होगा और सेम प्लेन में भी नहीं रहेंगे, क्योंकि यहां पे देखो यहां पे रिपल्शन होगा तो ये सेम प्लेन में नहीं रहेंगे, क्या होगा एक दूसरे का परपेंडिकुलर प्लेन में चला जाएगा। जब लार्ज ग्रुप, जब छोटा छोटा ग्रुप लगा तो अच्छा है भाई हम एडजस्ट करके रह जाएंगे, यहाँ रिपल्शन तो नहीं होगा भाई, ठीक है। लेकिन जब लार्ज ग्रुप आ रहा है भाई यहाँ पे हमें नहीं हो रहा है, नहीं पॉसिबल नहीं हो रहा है हमें, और मतलब मुझे दूसरा प्लेन में जाना पड़ेगा, तो यही प्लेन में पड़ा है, मैं तेरा परपेंडिकुलर प्लेन में चला जाता हूँ, ठीक है भाई। चला गया परपेंडिकुलर प्लेन में और हो गया हमारा काम ऑप्टिकली एक्टिव, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा तो हो गया हमारा काइरल सेंटर तो ऐसे भी है, हो गया देखा एक दूसरे का एनएनसीमोल, देख रहे हो, देख रहे हो ना ये एक दूसरे का एनएनसीमोल है, मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव है। देखो ये यहां पर बल्की ग्रुप लग गया, हाँ जी सर बल्की ग्रुप लग गया, तो ये एक प्लेन में नहीं रह सकते, ये प्लेन में रहेगा, ये परपेंडिकुलर प्लेन में चला गया, ठीक है। तो यहां पर ऑप्टिकल एक्टिव हो गया ये भाई साहब, देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड द मॉलिक्यूल इज काइरल, ठीक है। इनके लिए काइरल सेंटर नहीं जरूरी, इनके लिए काइरल प्लेन की जरूरत है। इफ आइदर रिंग इज सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड द मॉलिक्यूल एज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री हैज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर फॉर एग्जाम्पल देखो अगर सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड होगा, देखो यहाँ पे सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड मतलब एक रिंग का जो ऑर्थो पोजीशन में जो टू ग्रुप लगा है वो डिफरेंट होना चाहिए, जैसे एलिन्स एंड हमारा स्पाइरल में क्या था, जो टर्मिनल में टू ग्रुप इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या इवन नंबर ऑफ रिंग रहना चाहिए, टर्मिनल में टू ग्रुप हमारा डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। बाइफिनाइल्स में क्या है, तो जो ऑर्थो पोजीशन है टू रिंग्स का, टोटल फोर ऑर्थो पोजीशन, उसमें हमारा बल्की ग्रुप रहना चाहिए, ठीक है, वो तो कंडीशन होगा, देन एक दूसरे का परपेंडिकुलर प्लेन में चला जाएंगे, हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा। लेकिन जो एक ग्रुप मतलब एक फिनाइल रिंग का टू ऑर्थो पोजीशन, उसमें जब टू ग्रुप लगेगा वो टू ग्रुप क्या होना चाहिए, एक मतलब सेम नहीं होना चाहिए, अगर वो टू ग्रुप सेम हो गए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आया फिर ऑप्टिकल एक्टिव क्या है, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले जन्म में, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ना। हाँ जी सर बिल्कुल हो जाएगा, देखो जैसे ये कंपाउंड था, ये भाई साहब हमारा क्या सोच रहे, जनरली ग्रुप्स इन द पारा पोजिशन कैन नॉट यूज कैन नॉट कॉज द लैक ऑफ सिमेट्री, सॉरी जब सर ऑर्थो पोजिशन में ही सिमेट्री को क्या कर सकता है, हटा सकता है, क्योंकि वहां पे रिपल्शन आएगा, लेकिन दूर बढ़ गया तो कोई रिपल्शन नहीं आएगा, ठीक है। मान लो आपका क्लासरूम में, ठीक है, मान लो आपका क्लासरूम में जो बेंच बेंच ऐसे रहता है ना लाइन लाइन करके, ठीक है, बेंच रहता है, मान लो यहां पर एक बेंच है और यहां पर दूसरा बेंच है, ठीक है, ऐसे 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 गैप इतना ही है, ठीक है, यहां पर एक मतलब एक हट्टा कट्टा स्टूडेंट बैठ जाएगा, यहां पर एक हट्टा कट्टा स्टूडेंट बैठ जाएगा, तो फिर हम जा पाएंगे क्या, अच्छे से जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, तो क्या होगा, वहां से एक को उठा के कोई और बैठाना पड़ेगा, ठीक है, वहां पे एक स्लिम सा लड़का स्टूडेंट को बैठाना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया, ये दोनों ग्रुप लाइक ऑर्थो पोजीशन जैसा होगा, ठीक है। लेकिन वही केस अगर यहां पर नहीं बैठते मतलब टर्मिनल में दोनों
इधर उधर नहीं बैठ के, एक मान लो एक को मैंने बीच में बैठा दिया या एक को थोड़ा इधर बैठा दिया, ठीक है, तो होगा कुछ, हम तो आसानी से जा पाएंगे। अब तो जरूरत नहीं पड़ेगा एक को उठा के इस डेस्क के उठा से वहां फेंक दो, ठीक है वहां बैठा दो, सॉरी फेंकना मत, ठीक है, होगा क्या? नहीं होगा। सिमिलरली वही बात, यही बात यहाँ पर भी लागू हो रहा है। अरे ऑर्थो पोजीशन एक दूसरे को पास पास रह रहे हैं, तब तो रिपल्सन होगा, तब तो हमारा परपेंडिकुलर प्लेन में जाएगा, मान लो एक यहाँ है एक यहाँ है, हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ता। टर्मिनल में जब दोनों हट्टा कट्टा बैठेंगे स्टूडेंट, तब तो हम आने जाने में दिक्कत होगा, तब तो एक को उठा के हम कहीं और शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अगर टर्मिनल में दोनों ही नहीं बैठे, बीच में बैठा है, तो यहाँ पे ऐसे तो आसानी से हम जा सकते हैं कि उठाना है, ठीक है, उठाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली वही बात यहाँ पर भी है, पारा पोजिशन में जनरली हमारा जनरली तो कुछ केस हो सकता है, ठीक है, जहाँ पारा पोजिशन में लैक ऑफ सिमेट्री कॉज कर सकता है, लेकिन जनरली पारा पोजिशन का कोई काम नहीं है सिमेट्री को लेक करने के लिए, जनरली हमारा ऑर्थो पोजिशन ही कर सकता है, क्योंकि वो पास पास रह रहे, रिपल्शन हो रहा है, भाई 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 एक प्लेन में हम नहीं रह सकते, अब क्या करते हैं, कोई नहीं भाई मैं चला जाता हूँ परपेंडिकुलर प्लेन में, तू यहीं पड़ा रहे, ठीक है, ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। देन एट्रोप आइसोमर्स, ये क्या है, आइसोमर दैट कैन बी सेपरेटेड ओनली बिकॉज रोटेशन अबाउट सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रिवेंटेड, ठीक है, तो रोटेशन ओनली रोटेशन अबाउट सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रिवेंटेड की वजह से जो आइसोमर सेपरेट हो सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एट्रोप आइसोमरिज्म। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर फोर लार्ज ऑर्थोग्रुप टू बी प्रेजेंट फॉर द रोटेशन टू बी प्रिवेंटेड, ठीक है, compound with three or even two groups if large enough and suitably substituted can be hindered the rotation. The main मुद्दा यही है, जो हमारे जो two biphenyl link double bond के through attached है, वहाँ पे restricted rotation को रोक के, ठीक है, एक दूसरे को perpendicular plane में लेना है, ठीक है, तो जब ये हो जाएगा तब हमारा एंड टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगाना, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहना चाहिए। अगर फ्री रोटेशन हो गया तो वो तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा ना, अराउंड डबल और अराउंड सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ठीक है, तो उसके लिए हमें ऑर्थो पोजीशन में चार डिफरेंट, मतलब चार थोड़ा बल्की ग्रुप लगा सकते हैं, ठीक है, अगर टू ग्रुप सफिशियंटली लार्ज हुआ, ठीक है, सफिशियंटली बल्की ग्रुप हुआ जो कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन को हिंडर कर सकता है एंड उसको प्लेन मतलब परपेंडिकुलर प्लेन में एक दूसरे को ले सकता है, तब भी हमारा पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है, जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं कि फोर ही ग्रुप लगे, ठीक है, टू ग्रुप भी लग सकता है, लेकिन वो लार्ज एनफ होना चाहिए जो हमारा फ्री रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, फ्री रोटेशन को बोलेंगे हम तुझे होने नहीं देंगे, ठीक है। देखो SO3 कितना बोला है ग्रुप, ठीक है सर, यहाँ पे प्लेन कहाँ पे, यहाँ पे कैसे आएगा, हाइड्रोजन तो रहेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं, यहाँ पे देखो तो ये दोनों ग्रुप लार्ज एनफ होते हैं एक दूसरे रिंग को प्लेन ऑफ सिमेट्री सॉरी परपेंडिकुलर प्लेन में लेने के लिए, ठीक है, तो इसीलिए ये हो गया हमारा ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारा जो पढ़ा हमने उसको थोड़ा समराइज कर देते हैं, ठीक है, पहले पढ़ा हमें एलिन्स, एलिन्स क्या था, जो आज का टॉपिक था जिसमें किसी में भी हमारा टाइडल सेंटर नहीं था, बिना संघर्ष किए, बिना संघर्ष से कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होता, बिना संघर्ष से कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए कोई जय जयकार नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े के चुट, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े के चुट कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता, जैसे एलिन्स पाइरेन बायोफिनाइल में टाइडल सेंटर नहीं होता, ठीक है, समझ में आ गया। देन तो फिर है क्या, चाइरल एक्सिस है, जिंदगी बहुत हसीन है, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी रुलाती है कभी हंसाती है, जिंदगी बहुत हसीन है कभी रुलाती है कभी हंसाती है, लेकिन जो जिंदगी के भीड़ में, जो जिंदगी के भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसके आगे झुकती है, जैसे एलेन बायोफिनाइल एंड स्पाइरल में चाइरल सेंटर, ठीक है, तो आज का कंपाउंड हमारे था चाइरल सेंटर होता है, उसमें एलिन्स में इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड रहना चाहिए, ठीक है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड
जो टर्मिनल कार्बन को जो ग्रुप लगा है वो सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा जो एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। जब इसमें ऑल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड रहेगा तो ये ज्योमेट्रिकली आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये था एलिंज के बाद। अब आ गया स्पाइरन। सिर्फ एलिंज स्पाइरन एलिंज जैसा ही होता है, एलिंज में डबल बॉन्ड रहता है, स्पाइरन में रिंग रहता है, ठीक है। डबल बॉन्ड होता है हमने टू रिंग लगा दिया, ठीक है, इवन नंबर ऑफ रिंग रहेगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव ज्योमेट्रिकली आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। कंडीशन वो सेंटर ऑफ सिमेट्री अप्लाई है, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रहना चाहिए। देन हमारा आ गया, अगर ऑड नंबर ऑफ रिंग रहेगा वो ज्योमेट्रिकली आइसोमेरिज्म शो करेगा लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। देन हमारा आ गया बाइफिनाइल। बाइफिनाइल में टू फिनाइल रिंग हमारा एक दूसरे को एक सिंगल अमाउंट के थ्रू आते आ जाए, ठीक है। तो उसका ऑर्थ पोजिशन में अगर बल्की ग्रुप लगा देंगे तो ये फ्री रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करके एक एक दो बाइफिनाइल रिंग एक दूसरे का परपेंडिकुलर प्लेन में चला जाएगा, ठीक है। और जो ऑर्थ पोजिशन में जो एक एक रिंग का ऑर्थ पोजिशन में जो टू ग्रुप लगा है वो सेम नहीं होना चाहिए, अगर सेम हो गया उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, ठीक है। इतना कंडीशन फुलफिल हो गया तो हमारा ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं हमारा जो चार ग्रुप हमेशा लगा रहे, ठीक है, दो अगर टू मैक्सिमम ऑर्थो पोजीशन में टू बल्की ग्रुप लार्ज एनफ ग्रुप लग गए जो रेस्ट्रिक्टेड जो फ्री रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एंड टू फिनाइल रिंग को एक दूसरे का परपेंडिकुलर प्लेन में ले जा सकते हैं, ठीक है, तब भी ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन में जनरली ऑर्थो पोजीशन का जो ग्रुप है वो रेस्ट्रिक्टेड फ्री रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाता, तो उसका भूमिका यहाँ पे इतना नहीं है, ठीक है। तो ये था आज का क्लास का हमारा समरी, ठीक है। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, क्या लग रहा है होगा या नहीं होगा। इज द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। देखो यहां पे इथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, चारों ग्रुप लगा है जो कि एनफ होता है इसका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन को, क्या मतलब इसका फ्री रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, एंड ये ग्रुप डिफरेंट है तो ये हो सकता है ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। देन इज द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये सर ये बिल्कुल है, नाइट्रोजन ब्रोमीन ब्रोमीन नाइट्रोजन सब लगा है ये ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, पहला कंपाउंड देखते हैं सर यहाँ पर देखो सर यहाँ पर तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, अरे यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री रह जाएगा दोनों ग्रुप सेम है ये नहीं होगा, ठीक है। देन यहाँ पर ये होगा, ठीक है, बी होगा, देन सी होगा या नहीं होगा, सी नहीं होगा, ठीक है। देख क्योंकि इसका ऑर्थो पोजिशन में कोई ग्रुप नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन ही है दोनों ग्रुप, ठीक है, ऑर्थो पोजिशन में। यहाँ पर क्लोरीन हाइड्रोजन सी एच थ्री लगा है पारा पोजिशन में, तो जनरली ये देखो ये इतना भी सी एच थ्री क्लोरीन इतना भी लार्ज एनफ नहीं होता जब पारा पोजिशन में भी रह के ये हमारा फ्री रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो ये नहीं होगा, ठीक है, हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, देखो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, आयोडीन इतना भी लार्ज है लेकिन इतना भी लार्ज एनफ नहीं है जो एक आयोडीन के वजह से हो जाएगा, लेकिन ये होगा हमने देखते अभी अभी आ रहा है, ठीक है, ये होगा, ये नहीं होगा क्योंकि चारों ग्रुप यहाँ पे सेम है, ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो कर लगा लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री रह जाएगा, ठीक है, ये ही ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन टोर फिनाइल मतलब तीन फिनाइल रिंग, ठीक है, सौ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, ऑप्टिकल नहीं दिखाएगा क्योंकि देखो ये एंड ये सेम प्लेन में आ जाएंगे, ठीक है, तीनों में से दो सेम प्लेन में आ जाएंगे तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। डज दिस कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नहीं 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 कैसे कैसे करेंगे, ये तो सेम हो रहा है ग्रुप, यहां पर डिफरेंट ग्रुप रहना चाहिए राइट सिस ट्रांस के लिए, देखते हैं। इन द फर्स्ट फिनाइल रिंग मिथाइल एंड इथाइल आर डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, बट इन थर्ड फिनाइल बोथ ग्रुप आर इथाइल, ठीक है, मैंने वही बताया था, अगर यहाँ पे डिफरेंट होता तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता। सिर्फ ये मत देखना सर सर आपने बोला टोरफिनाइल रिंग है तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, अरे बताए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो कंडीशन वो भी तो लगना चाहिए यहाँ पे, तो ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, ये होगा या नहीं होगा, ये सर होगा, ये होगा, यहाँ पे तीन ग्रुप है, हाँ जी सर, एंड यहाँ पे अलग अलग हमारा
ग्रुप अटैच है, तो ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देन साइक्लोअल्काइडिन, वन ऑफ द डबल बॉन्ड इन एलिन्स इज रिप्लेस बाय वन साइक्लोअल्काइडिन, लास्ट में रहेगा साइक्लोअल्काइडिन। क्या हमारा एलिन्स में था टू डबल बॉन्ड, ठीक है, मतलब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, यहां पे एक डबल बॉन्ड को हटा के हमने एक रिंग रख दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। यहां पे दोनों ग्रुप जो रिंग में लगा है वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एनेंसियोमेरिक पेयर देख रहे हो, यहां पे ये दोनों ग्रुप सेम हो, अगर सेम हो जाएगा तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, वो दोनों ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए, बाकी हो गया हमारा ऑप्टिकली एक्टिव। सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जरूरत है ना, हमारा रिंग भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कर सकता है, ठीक है, मतलब रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो हमारे एलिन्स पे एक डबल बॉन्ड हटा के हमने एक रिंग लग दिया, हो गया हमारा ऑप्टिकली एक्टिव।